हेलो दोस्तों, अभी हम सोसराय मोड़ पर है और यहाँ से हम आप लोगों को एक ऐसी जगह लेके जाना चाहते हैं जहाँ आप लोगों ने पहले बार कभी नहीं देखी होगी। तो चलिए हम लोग यहाँ से बोरवाना के रास्ता सीधे की ओर चलते हैं और आपको हम एक ऐसी जगह लेके जा चलते हैं जहाँ पे आप लोगों की मौज मस्ती होती होगी। तो ये बोरवाना के सीधे रास्ता चलती है थाना की ओर से और ये मंदिर की तरफ से, ये काली मंदिर है। इस रोड के सामने बोरवाना की रोड जाती है और इस रोड से मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ। हम फाइनली यहाँ पे पहुँच गए हैं और इधर मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पाम गार्डन है। यहाँ पाम गार्डन के जस्ट सामने एक कैफे है जहाँ पे आप शाम को अपना चाय के साथ फीलिंग को बांट सकते हैं और बहुत ही अच्छा खूबसूरत जगह है और यहाँ पे स्पेस भी अच्छा है। आप यहाँ पे शाम को आ सकते हैं और अपना सुहाना शाम को यहाँ पे बिता सकते हैं एक चाय के साथ। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ और ये हेलो चाय लवर्स के नाम से जाना जाता है और यहाँ मैं आपको दिखा दूँ कि हेलो चाय लवर्स के नाम से यहाँ जाना जाता है और अभी यहाँ पे भीड़ नहीं है और यहाँ पे बैठने के लिए बहुत से अच्छे स्पेस है और यहाँ बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है और यहाँ बैठने के लिए टेबल कुर्सी भी लगाई गई है और ये अंदर का लुक इस तरह से है कुछ। और यहाँ बैठने के लिए लगाए गए हैं और यहाँ बहुत प्रकार के और अंदर का ये खूबसूरत जगह आपको दिख रहा होगा जो बहुत ही बेहतर ढंग से सजाया गया है और यहाँ बैठने के लिए वुड का टेबल बनाया गया है और ये इस तरह से अंदर सजाया गया है। और मैं आपको इधर से छत पे लेके चलता हूँ जहाँ पे जहाँ लोग यहाँ शाम को आते हैं और अपना फीलिंग जी जी भैया आप लोगों को बताइए यहाँ आके कैसा फील होता है शाम के टाइम में, अपना फीलिंग शेयर करिए। गुमती जैसा इनको फील होता है यहाँ पे और यहाँ बहुत ही अच्छा लोगों को लगता है आने के बाद और अपना फीलिंग शेयर करते हैं। और ये बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह का है, बस रोड के जस्ट पास ही है। तो चलिए आप लोगों को ये चाय लवर्स देखकर कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। बात पर सब खड़ा हो रहा, चलिए ठीक है, इनको ऊपर सपोर्ट मिलेगा, लोग इनको जान रहे हैं।